से कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, नवंबर 2024 में किन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे। अगला है, 2 अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल है? ऑप्शन है रीपर और एवेंजर, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन, ग्लोबल हॉक और ट्राइटन, बगुला और छाया। तो इसका भी बी ऑप्शन ही सही है आपका, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सौदे में MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन का त्रिसेवा अधिग्रहण शामिल है। आगे देखते हैं, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है के नटराजन, राजेंद्र सिंह, परमेश शिवमणि, कृष्णा स्वामी नायर। तो इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, परमेश शिवमणि। 15 अक्टूबर 2024 को परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला देखते हैं, लिचू बागान जलाशय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि असम से संबंधित है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आधिकारिक तौर पर लीचू बागान जलाशय खोला है, जो दक्षिण मध्य गुवाहाटी जल आपूर्ति योजना का एक घटक है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य गुवाहाटी के निवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रुड़की, शिमला, गुवाहाटी, चेन्नई। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, रुड़की में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। अयोध्या में एक नई बस्ती में पवित्र सरयू नदी के पानी से भरी एक झील होगी। यह झील 430 एकड़ में फैली होगी और नदी से जुड़ी होगी। तो रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान झील का निर्माण करेगा। झील परियोजना को नई अयोध्या बस्ती का नीला और हरा गलियारा नाम दिया गया है। आगे देखते हैं, न्यू भांड सेक्शन किस जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? ऑप्शन है सेंट्रल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, साउथर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, ये आपका सही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे के 77 किलोमीटर लंबे न्यू सांड खंड का उद्घाटन किया। इस बुनियादी ढांचे के विकास से क्षेत्र में बंदरगाहों और विनिर्माण केंद्रों से माल के परिवहन में तेजी आएगी। इस पहल के परिणाम स्वरूप 60 मालगाड़ियों को मालवाहक गलियारे में स्थानांतरित किया गया है, जो पहले यात्री रेल मार्गों का उपयोग करती थी। अगला है, कौन सा देश भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन है फ्रांस, UK, कनाडा, नॉर्वे। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि नॉर्वे। नॉर्वे भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निधि देने में मदद करेगा और उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला नेताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। परियोजना की अवधि 3 साल होगी, सितंबर 2026 तक, और इसका बजट 44.7 मिलियन होगा। यह परियोजना निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और संघों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करती है, जिसमें वन पंचायतों वन परिषदों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है यूनिसेफ, WHO, FFO, विश्व बैंक।
तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पारंपरिक और पूरक चिकित्सा को भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में मुख्य धारा में लाएगा। पहला अनुबंध 2016 में योग, आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए किया गया था, और दूसरा अनुबंध 2017 में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का फिर मिलेंगे कल इसी क्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।